निवाड़ी जिले में कोरोना की तीसरी लहर के बीच जिला प्रशासन का बड़ा निर्णय, ओरछा के रामराजा मंदिर में अब लहर में 500 भक्तों को मिल सकेगा प्रवेश। बोले निवाड़ी कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी, किया आदेश जारी। ओरछा का विश्व प्रसिद्ध रामराजा मंदिर में भक्तों के प्रवेश को लेकर निवाड़ी कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने बड़ा निर्णय लिया है। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि ओरछा में रामराजा दरबार में एक पहर में 500 भक्तों को ही प्रवेश मिल सकेगा और दोनों पहर में सिर्फ 1000 श्रद्धालुओं को ही प्रवेश दिया जाएगा, जिसके लिए भक्तों को एक दिन पूर्व ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगवा ली हो या 2 दिन पूर्व की तात्कालिक कोरोना टेस्ट रिपोर्ट दिखाने के बाद ही मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। श्री सूर्यवंशी ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मंदिर में प्रवेश दिए जाने की बात कही। देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि वर्तमान में कोरोना का प्रकोप वापस फैल रहा है, तीसरी लहर जोर पकड़ती जा रही है। इस संबंध में ये भी बताया दें आपको कि निवाड़ी जिले में कल 3 जो पॉजिटिव पेशेंट भी निकले हैं, तो ये ओमिक्रॉन और कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए राज्य शासन स्थानीय प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इसी के तहत ये हम लोग आज क्षेत्र में निकले हैं और पर्टिकुलर ओरछा मंदिर में के आसपास ओरछा नगर में भी हम लोगों ने इस पर कंसंट्रेट किया है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे दर्शनार्थी आते हैं। हमारा उद्देश्य है लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने और सैनिटाइजर का यूज़ करें। इसमें भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी बात को लेते हुए देखते हुए हम आज पुलिस प्रशासन नगर पालिका सभी संयुक्त रूप से क्षेत्र में निकले हैं। लोगों को मास्क पहनने की और हम लोग उनको बूस्टअप कर रहे हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही जो नहीं मान रहे उनके ऊपर हमने स्पॉट फाइन भी किए हैं। ऐसे दुकानदारों का दायित्व है कि वो भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन खुद भी करें और लोगों से भी करवाएं। उसके अलावा सर, रामराजा मंदिर को लेकर आप? तो वो भी हम लोगों ने किया है। जहाँ तक रामराजा मंदिर की बात है, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो दर्शन है वो 1000 तक सीमित किए। ये 2 शिफ्टों में है, चूँकि सुबह शाम दर्शन होते हैं, तो दोनों शिफ्ट में 500 व्यक्तियों को दर्शन दिया जाएगा। और जो व्यक्ति आएंगे दर्शन करने के लिए, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जो मंदिर की साइट है उस पर करें अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और रजिस्ट्रेशन करा के यहाँ पर दर्शन पा सकते हैं। दर्शन के जब दर्शन करने आएंगे तो उन्हें 48 घंटे की RT-PCR की रिपोर्ट प्रस्तुत करना पड़ेगी, या दोनों डोज लगाने का प्रमाण पत्र उन्हें यहाँ पर प्रस्तुत करना पड़ेगा। गर्भगृह में जाने को हमने पूरा प्रतिबंधित किया है। विशेष परिस्थितियों में कलेक्टर की अनुमति से ही अंदर व्यक्ति जा पाएगा। जहाँ तक बात यह है मंदिर की जो नियमित पूजा अर्चना की, नियमित रूप से जो खुलता है 2 शिफ्टों के अलावा जो खुलेगा, उसमें मंदिर अपने नियमित रूप से खुलेगा। पुजारी और जो मंदिर के सहायक कर्मचारी हैं, सहायक पुजारी हैं, जो वही अंदर अपनी पूजा अर्चना करते रहेंगे। निवाड़ी ओरछा से रफत जाफरी की रिपोर्ट।